गाइज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ Geekbench 5 एंड Antutu बेंचमार्क टेस्ट। MIUI 12 आने के बाद MIUI के डिवाइसेज की परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट आता है, इसका टेस्ट हम Geekbench 5 एंड Antutu बेंचमार्क से करेंगे। इन दोनों बेंचमार्क टेस्ट को हम MIUI 11 एंड MIUI 12 में कंपेयर करेंगे। मैं दोनों वीडियो को एक साथ चलाऊंगा, यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन होगा जिसमें दोनों टेस्ट एक साथ चलेंगे मेरे इस Redmi K20 Pro डिवाइस पे। इस Redmi K20 Pro का वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वाला। इसमें 2019 में जो स्नैपड्रैगन ने फ्लेक्सी प्रोसेसर लॉन्च किया था स्नैपड्रैगन 855 जो आज भी काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर इसमें है। तो इसके लिए इस वीडियो को देखते रहिए। इस बेंचमार्क कंपैरिजन टेस्ट में मैंने मोबाइल को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है एंड सिंक सर्विसेज भी ऑफ है एंड बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ है। तो यहाँ पे मैं Geekbench 5 का टेस्ट दोनों पे एक साथ करता हूँ। पहले Geekbench 5 टेस्ट करूँगा, उसके बाद Antutu बेंचमार्क टेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं Geekbench 5 को रन करूँगा। जब डिस्प्ले पर कोई 3D रेंडरिंग नहीं होगी या कोई एनिमेशन नहीं चल रहा होगा तो मैं उस टाइम वीडियो की स्पीड को 8 गुना कर दूंगा। दोनों डिवाइस में ये स्पीड एक साथ बढ़ाऊंगा जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे Redmi K20 Pro का Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे Geekbench का वर्जन मैंने जो यूज़ किया है वो है Geekbench 5.11। सिंगल कोर का स्कोर आया है 578 और मल्टी कोर का स्कोर आया है 2401। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सिंगल कोर का स्कोर है वो 604 आया है एंड मेरा मल्टी कोर का स्कोर है वो यहाँ पे 2520 आया है। तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी की डिटेल्स। यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर है, यहाँ पे एवरेज इतना रहता है Redmi K20 Pro का। Geekbench 5 के टेस्ट के बाद में मैं इस Geekbench 5 को क्लोज करता हूँ, उसके बाद मैं चलाऊंगा यहाँ पे Antutu बेंचमार्क। Antutu बेंचमार्क में भी दोनों वीडियो में मैंने सेम वाईफाई से कनेक्टेड कर रखा है एंड बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे मेरा Redmi K20 Pro का MIUI 11 पे मेरा N22 benchmark कंप्लीट हुआ, जहाँ पे मेरा स्कोर रहा 422,396। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ है N22 benchmark टेस्ट और यहाँ पे मेरा स्कोर हुआ है वो है 424,557। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इंडिविजुअली कितने स्कोर हुए हैं, तो यहाँ पे CPU का स्कोर, GPU का स्कोर, MEN स्कोर, UX स्कोर सारे दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों पे मैटर करता है कि डिवाइस के टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये बेंचमार्क टेस्ट का रिजल्ट क्या रहेगा। दोनों UI में मैं ये टेस्ट सेम कंडीशन पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये टेस्ट दोनों के लिए ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। MIUI 12 आने के बाद MIUI में स्मूथनेस, फ्लुएंसी एंड यूजर एक्सपीरियंस तो अच्छा हुआ ही है। वैसे सेम प्रोसेसर पे एंड सेम एंड्रॉयड वर्जन पे UI में चेंजेस करने से बेंचमार्क टेस्ट के स्कोर ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं, फिर भी थोड़े बहुत अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है इसमें सिंगल कोर के परफॉर्मेंस में एंड मल्टी कोर के परफॉर्मेंस में। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो इस वीडियो पर लाइक कर दें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।